सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असवानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। आरक्षण का मुद्दा सुलझने के बाद आखिरकार यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस दौरान प्रदेश में दो चरणों में निकाय चुनाव कराए जाएंगे, जहां 17 महापौर 1420 पार्षदों के चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे, जबकि नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव बैलेट पेपर पर होगा, जिसके नतीजे 13 को आ जाएंगे। वहीं नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। आइए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं नगर निकाय के चुनाव के ऐलान का स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बहुत पहले से तैयार थी और हमारी लगातार तैयारी बूथ नहीं मतदाता स्तर तक है, और मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, इसलिए लगातार कोई भी चुनाव हो भाजपा का कमल खिलाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन है। 2023 के नगर निकाय चुनाव में लोग भाजपा को वोट दे करके, भाजपा का कमल खिला करके ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, और 2024 में लोकसभा में ऐतिहासिक विजय दिला करके फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हर समय तैयार थी। खुशी की बात यह है कि 27% जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर के बहुत साजिश के तहत समाजवादी पार्टी ने विवाद कराया था, उसकी साजिश फेल हो गई। हम 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण देते हुए और प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव की घोषणा सुन चुके हैं, और दो चरणों में चुनाव होगा ऐसा बताया गया है, और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता कमर कस करके तैयार है। बिजनौर में नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता का भी शहर क्षेत्र में असर देखने को मिला है। जहां शहर क्षेत्र में मुख्य चौराहों और सड़कों के किनारे लगे राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशियों के बैनर और होर्डिंग्स को नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा हटाया गया है। बताया जा रहा है कि बीती शाम नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई, साथ ही चुनाव को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता का पालन करने और कराने के भी निर्देश चुनाव आयोग द्वारा दिए गए हैं, जिसके क्रम में बिजनौर शहर क्षेत्र के मुख्य चौराहों और सड़कों के किनारे लगे पार्टी प्रत्याशियों के होर्डिंग्स और बैनरों को पालिका कर्मचारियों द्वारा हटाया गया है। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों के होने वाले चुनाव के लिए माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना जारी होते ही हम लोगों ने आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए ये होर्डिंग, बैनर और राजनीतिक दलों के पोस्टर या बाल पेंटिंग को हटाने के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया है। सभी नगर निकायों में चलाया जा रहा है और 24 घंटे के अंदर माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी चुनाव प्रचार सामग्री जो अभी लगाई गई है सब। औरैया से चुनाव आयोग द्वारा नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जहां अधिसूचना जारी होते ही राजनीतिक दलों में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि जनपद में 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतें हैं, जिनके लिए 11 मई को मतदान किया जाएगा। वहीं इस संबंध में जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियां करने में जुट गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव की सूचना जारी होते ही 24 घंटे के अंदर आदर्श आचार संहिता का लागू कराने के उद्देश्य से जो भी प्रचार सामग्री लगाई गई है विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा और राजनीतिक दलों द्वारा, वो 24 घंटे के अंदर हटा दी जाएगी। ये कार्रवाई अभी शुरू कर दी गई। यूपी में निकाय चुनाव की अधिसूचना लगते ही सुल्तानपुर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है, जहां नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में लगाए गए बैनर और होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं। साथ ही बिना परमिशन के कोई भी राजनीतिक बैनर होर्डिंग ना लगाए जाने की हिदायत भी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है और सूबे में 2 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें सुल्तानपुर में 11 मई को मतदान होगा। लिहाजा चुनाव की घोषणा होते ही जिला
जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर, सीओ सिटी, ईओ नगर पालिका की अगुवाई में टीम पालिका क्षेत्र में निकल पड़ी और सड़क किनारे लगी राजनीति के साथ साथ सभी बैनर होर्डिंग्स उतारे जाने लगे हैं। इसके साथ ही एसडीएम ने हिदायत दी है कि बिना अनुमति के कोई भी राजनीतिक दल कोई भी बैनर या पोस्टर ना लगाए। खबर सिद्धार्थ नगर से है जहां निषाद युवा वाहिनी का एक कार्यक्रम विधानसभा शौरतगढ़ में संपन्न हुआ है, जहां इस कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद सहनी ने निषाद समाज के लोगों से मुलाकात कर निषाद समाज के साथ साथ अन्य लोगों से बात की है और उन्होंने गरीब लोगों को न्याय दिलाने और उनकी समस्या को दूर करने की भी बात कही है। खबर कानपुर से है जहां बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के किदवाई नगर में 40 दुकानों में भीषण आग लग गई है, जहां आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं, जिससे व्यापारियों का लाखों का नुकसान हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, जबकि बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कई बार आग लग चुकी है और आज तक जांच होती आ रही है, जिससे व्यापारियों में शासन और प्रशासन के प्रति आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बाराबंकी पुलिस ने जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बदोसराय में गैंग लीडर सैयद मोहम्मद मेहंदी उर्फ जुल्फी मियां और गिरोह के सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर अर्जित की गई 9,12,50,000 रुपए की अचल संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की है। खबर लखनऊ से है जहां सीतापुर रोड स्थित सैरपुर थाना क्षेत्र के सरौरा गांव के बाहर एक युवती की हत्या कर दी गई थी और युवती की पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा तक जला दिया गया था, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई थी। वहीं अधजली युवती की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस मृतका की शिनाख्त का प्रयास लगातार कर रही है। 6 तारीख को सुबह ग्राम सरोरा थाना सैरपुर से एक लेडी का अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली थी, जिसको लेके थाना सैरपुर में 31/23 मुकदमा पंजीकृत किया गया था। कल उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया था और आज हमारे पास उसका रिपोर्ट आया ही है। कॉज ऑफ डेथ अनसर्टन एंड विसरल प्रिसर्व आई है रिपोर्ट में, यानी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृतका के साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट होना नहीं पाया गया है। शिनाख्त अभी तक नहीं हुआ है, पुलिस शिनाख्त करने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है, अन्य कानूनी कार्रवाई भी किया जा रहा है। खबर बस्ती से है जहां पर क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन टाउन क्लब में किया गया है। राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग और बस्ती विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। वह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर योगेश्वर राम मिश्र ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, साथ ही मुख्य अतिथि ने सभी कलाकृतियों का अवलोकन भी किया है। खबर संभल से है जहां तेज रफ्तार हवाओं के चलते बिजली लाइन में स्पार्किंग हुई है, जिससे गेहूं के खेत में आग की लपटें उठने लगी और किसानों के 50 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। वहीं आसपास के खेतों में गेहूं काट रहे किसान ने पेड़ की टहनियों से आग पर काबू पाया है। वहीं ग्रामीणों ने दमकल को भी सूचना दी और दमकल के 2 घंटे देरी की पहुंचने की वजह से उनके खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा भी देखा गया है। खबर प्रयागराज से है जहां अमोरा गांव में अज्ञात परिस्थितियों में आग लगने से किसानों का 8 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया है, जहां ग्रामीणों की काफी मशक्कत के बाद भी वो फसलों को जलने से नहीं बचा सके। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। खबर संभल से है जहां इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। दिव्यांग युवक को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा और युवक ने दिव्यांग होते हुए भी संघर्ष का जज्बा दिखाया है। दबंगों पर कार्रवाई के नाम पर बस खाना पूर्ति की जा रही है। ये पूरा मामला संभल के शेर खान सराय का बताया जा रहा है।
हमारी आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।